बिहार के वैशाली में पर्यटन विकास के लिए निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण मामले पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया है। अपने बयान में मोटे मोटे तौर पर उन्होंने दलितों और अल्पसंख्यकों को जनसंख्या वृद्धि का जिम्मेदार बता दिया है। उनका यह बयान राजनीतिक महकमे में अब हलचल ला रहा है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि देश में दलित और अल्पसंख्यक दो ऐसे समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। मंत्री महोदय ने इसका मुख्य कारण दोनों समुदाय की महिलाओं को शिक्षित होना नहीं बताया है, यानी कि दोनों समुदाय में शिक्षा की कमी है जिसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत आन पड़ी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के अल्पसंख्यक और दलित समुदाय का ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों समुदाय की महिलाएं शिक्षित नहीं हैं। आप खुद सुनिए पहले कि भवन निर्माण मंत्री ने आखिर कहा क्या। हम लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है, इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहां का इस देश का प्रजनन दर कम है जहां जहां शिक्षित हैं, तो उसको शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कन्या उत्थान योजना है 25,000 50,000 प्लस टू ग्रेजुएशन पर, उसको भी बढ़ा दे रहा है कि महिलाएँ हमारी लड़कियाँ पढ़ें। हर जगह पंचायत स्तर पर प्लस टू स्कूल का निर्माण करना कि जब बच्चियां हमारी लड़कियां पढ़ लेंगी तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिविटी आ जाएगी कि हमको जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रित करना है, हमें कितने बच्चे चाहिए, सब बच्चों को पढ़ाना है। तो वो समस्या क्यों ऐसा है कि आज के समय में सिर्फ दो कम्युनिटी इस देश में, माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है यहाँ पर। यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, वो सबसे कम है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन की संख्या जो ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ लिटरेसी लेवल कम है, जब लड़कियाँ और हम लोग ये लोग पढ़ लेंगी तो निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन और इस पर बहस की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे मुख्यमंत्री का मॉडल सब जगह इस तरह का लड़कियों को पढ़ाने का मॉडल अगर होगा तो उस बहुत चीज़ों में, सिर्फ जनसंख्या नहीं, बहुत चीज़ों में इसका फ़ायदा होगा। सवाल तो यही है कि अगर 20 साल तक सत्ता में रहने को अग्रसर सत्ता पक्ष के मंत्री इस बात को कहते हैं कि अल्पसंख्यक महिलाएं अशिक्षित हैं और इसलिए ज्यादा जनसंख्या है, तो इसका सीधा और साफ मतलब सरकार की नीतिगत नाकामियों से है। मंत्री जी के बयान से यह स्पष्ट है कि 15 साल तक राज करने के बाद भी नीतीश सरकार अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने में विफल रही है, तो फिर अपनी गलतियों का ठीकरा जनसंख्या वृद्धि के कीचड़ में लपेट कर अल्पसंख्यकों के ऊपर उछालने का क्या मतलब बनता है, ये आप हमें अपने कमेंट में बताइए, हम इंतजार करेंगे। हालांकि इसके बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने वैशाली गढ़ पर 72 एकड़ में 320 करोड़ की लागत से बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया और कहा कि कोरोना के चलते निर्माण कार्य बाधित है, इसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। दिसंबर माह तक इसके निर्माण कार्य के पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली गढ़ से गुजरते हुए हवाई सर्वेक्षण किया था। इस दौरान बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण बंद पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया था, जिसके बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मौके पर पहुंचे और नीतीश सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि समय से चालू हो, क्योंकि कोविड का समय है तो निश्चित रूप से सब प्रोजेक्ट डिलेड हुए हैं, उसमें ये भी डिलेड हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए चिंतित हैं और चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराया जाए। स्टोन जो राजस्थान से आ रहे हैं वहाँ से भी थोड़ी समस्या है, उस सब बात हो रहा है और इसको प्रयास किया जाए। विजिट हुआ है, जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन लोगों को भी बुलाया गया, इंजीनियर्स को बुलाया गया था, जो उनकी समस्याएँ हैं वो सबको एड्रेस किया गया है। हम समझते हैं कि इन लोगों ने कमिटमेंट किया है कि दिसंबर तक कम्प्लीट करके देंगे, तो हमको लगता है दिन रात काम शुरू होगा, जल्द से जल्द ये कम्प्लीट होगा, प्रयास जारी है।